8 मिलियन हर साल मर जाते हैं स्मोकिंग की वजह से सम्मान या अपने घरों की बात कर लेते हैं right. अभी जो भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं एंड मैंने मोस्टली ऐसे देखा है ना कि बच्चों को पैसे देंगे और वो बच्ची जाकर बोलती है अंकल पापा के लिए सिगरेट दीजिए एंड कल को यही पेरेंट्स जो है क्लेम करते हैं कि हमारा जो बच्चा है गलत सोहबत का शिकार हो गया है और इसके जिम्मेदार हम ही हैं बिल्कुल इसका सोचना है कि ये हमारी वजह से हो रहा है राइट और पैसिव स्मोकिंग की अगर हम बात करें अब देख लो आप दीपा जो स्मोकर्स है जो वो स्मोक करते हैं उनकी तो हेल्थ खराब हो ही जाती है लेकिन जो नॉन स्मोकर्स है लाइक घर में बैठे आपका फादर अगर सिगरेट पी रहा है या ग्रैंडफादर कोई बड़ा और बच्चे सारे सामने बैठे हैं और जैसे पेरेंट्स बिहेव करेंगे ना बच्चा वैसे ही फिर कॉपी करता है वही चीज़ें वही एक्टिविटीज़ वो रिपीट करेगा एक बात सही कही आपने और फिर हम ब्लेम करते हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ गया है सोसाइटी जो है बच्चों को हमारी ख़राब कर रही है लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम ही रीज़न है अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए पता है जब भी आप और हम आते हैं ना पब्लिक प्लेस की खासकर बात करते हैं एंड मुझे सबसे इरिटेटिंग वो चीज़ लगती है बहुत बारी जब हम गाड़ी में चढ़े काते नफर पता भी है कि सिगरेट चुन चुन गार्डमस शुगर अलाउड ही नहीं है पब्लिक प्लेसेस पर एंड हाँ वो कोई भी पर्सन ऐसा होगा ना कुछ लोग मैं सबका नहीं कह रही हूँ कि वो सिगरेट उठाएगा जलाएगा और पीना स्टार्ट करेगा एंड ये सोचेगा ही नहीं कि वो कर क्या रहा है एंड अगर आप फिर गलती से भी उन्हें ये बता दो ना कि आप क्या कर रहे हैं भाई साहब आप गलत काम कर रहे हैं ऐसा नहीं होता है ऐसे घूर रहे होते हैं ना जैसे उल्टा हमने ही कुछ गलत किया होता है एग्जैक्टली अब देख लो आप पब्लिक प्लेसेस में इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है कि पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग अलाउड नहीं है और सिगरेट पैकेट्स की बात करें भाई उस पे भी लिखा होता है कि हाँ कि सिगरेट जो है आपके लिए ठीक नहीं है लेकिन उसके बाद भी हम सिगरेट पीते हैं और कितनी अनफॉर्चुनेट चीज है ये खैर स्मोकर्स की बात करें उनका तो ऑलरेडी मीटर डाउन ही हुआ होता है बट जो नॉन स्मोकर्स होता है उनका हो जाता है मीटर डाउन मीटर डाउन